अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको एक न्यू स्टाइल के कैप्री का बॉटम डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और उसके लिए हमने कैप्री की कटिंग कर ली है। हमारी जितनी कैप्री की तैयार लेंथ है, हमने इससे नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो हमारा डिज़ाइनिंग में जाएगा। इसलिए आपकी जितनी भी तैयार लेंथ हो, आप उससे नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा। उसके बाद ये देखें, हमने ये समोसा लैस ली है और ये हमने बड़े साइज़ में थोड़ी यानी कि बड़े काट वाली समोसा लैस ली है। और अब यहाँ पर हम इसे तकरीबन 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए लेस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको लेस के किनारे पे नहीं बल्कि जहाँ पे आपके कट ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक के यानी कि उन किनारों के ऊपर आपको ये सिलाई लगानी है। ये लेस लगा ली। लेस लगाने के बाद हमने ये ऑर्गेन्जा ली है और ये हमारी फोल्डेड 2 इंच ऑर्गेन्जा है। ये देखें इस तरह से, यानी कि ये खोलने के बाद 4 इंच है और जब हम इसे दरमियान में से फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंचेस हो जाएगी, यानी कि ये डबल ऑर्गेन्जा है। अब ये देखें, हम इसे इस तरह से जो बंद वाली साइड है उसे ऊपर रखेंगे और ओपन वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह हम रखते हुए जो हमने पहले लैस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह ऑर्गेन्जा में मुझे वो सिलाई नज़र आ रही है। अब ये देखें, हम इसी तरह ऑर्गेन्जा को बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखें, ऑर्गेन्जा और लेस लगाने के बाद अब यहाँ पे हम दरमियान में निशान लगाएंगे और पहला निशान हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच के वक्फे पर लगाएंगे और इससे आगे 2 निशान 1 इंच के वक्फे पर लगाएंगे। इसी तरह ये तीनों निशान हम दोनों साइडों पे भी लगा देंगे, यानी कि पहला निशान 1.5 इंच और उससे अगले 2 निशान 1-1 इंच के वक्फे के ऊपर। ये देखें इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने 3 निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद हम एक स्केल की मदद से ऐसे सीधी लाइनें खींच लेंगे। देखिए, हमने लाइनें खींच ली और अब हम इसे इस तरह प्लेट डालेंगे। चलो मैं प्लेट डाल के भी दिखा देती हूँ आपको। ऐसे पेंसिल के निशान से कपड़े को पकड़ के फोल्ड करना है और 1/2 इंच से 1 पॉइंट के कम की सिलाई लगानी है यहाँ पे। देखें इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। अगर आप इस तरह निशान लगा लेंगे तो आपको प्लेट डालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अगर आपकी प्लेट की सिलाई बिल्कुल बराबर और आपके इक्वल होंगे तो इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगी। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं यानी कि आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती तो तब भी आपके लिए ये प्लेट डालने बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे इन निशानों की मदद से, क्योंकि निशान लगा लेंगे तो आपकी लाइनें सीधी होंगी, आप कपड़े को सीधा फोल्ड करेंगे और सिलाई अगर सीधी लगा देंगे तो आपका बहुत अच्छे से कैप्री का बॉटम डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, इसी तरह मैं फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ लगा ली और उसके बाद यहाँ से यानी कि जो आपकी आखिरी प्लेट वाली सिलाई है उसके ऊपर 1.5 इंच के वक्फे के ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से हम मज़ीद एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम 2-2 इंच के वक्फे के ऊपर निशान लगाएंगे, यानी कि 2 इंचज़, 4 इंचज़, 6 इंचज़, 8 इंचज़, 10 इंचज़, इस तरह मैं टोटल निशान लगाती जाऊँगी। देखें, इस तरह से निशान लगाने के बाद आप इसे इस तरह से बिल्कुल गोल नहीं, जैसे आँख होती है उस तरह आप इसे शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरह से, जैसे मैं शेप दे रही हूँ, यानी कि आप पहले एक दफ़ा इस तरह ज़िगज़ैग बना लीजिएगा और फिर दूसरी साइड पे आप बनाएंगे तो आपकी आँख की तरह शेप आ जाएगी। और अब हम एक गोल डोरी लेंगे और इसे निशानों के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये आपको गोल डोरी बहुत आसानी से मिल जाती है, इसे गोल डोरी भी कहते हैं और इसे तवीज़ वाली डोरी भी कहते हैं। ये डोरी तकरीबन आपको 40 रुपये में एक गुच्छी इसकी मिल जाती है, जिसमें ये काफ़ी लंबी तकरीबन 8-10 गज़ डोरी होती है और 40 से 50 में मिल जाती है अगर ये अच्छी क्वालिटी की हो। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ी लो क्वालिटी में भी हो तो 30 रुपये में भी ये मिल जाती है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, क्योंकि जो लो क्वालिटी की होती है उसके
जो रेशे होते हैं ना ऐसे बाहर से निकले होते हैं, यानी कि अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी ले लेंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और ये देखें इस तरह से पहले मैं एक साइड का जिगजैग बनाऊंगी और फिर दूसरी साइड का बनाऊंगी, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या ये डोरी लगाना इतना ही आसान है, मशीन के साथ इसके साथ सिलाई लग जाती है? तो जी हाँ, मशीन के साथ इसकी बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है और कोई भी लगा सकता है, मुश्किल नहीं है। बस आपको कपड़े के ऊपर डोरी को रखना होता है और सिलाई लगानी होती है, और ये डोरी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। आपने बस इतना ख्याल रखना होता है कि आपकी सिलाई डोरी से नीचे नहीं जाए, जैसे कि मैं सिलाई लगा रही हूँ मेरून धागे के साथ मेरून डोरी पे, और अगर मेरी सिलाई नीचे चली जाएगी कपड़े के ऊपर तो वो नज़र आएगी, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए आपने ख्याल रखना कि आपकी सिलाई जो है ना वो बस डोरी के ऊपर रहे। और इस डोरी के लिए आप टांका बहुत बड़ा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और अब ये देखें इस तरह से मैंने टोटल डोरी लगा ली और हमारा ये कैपरी का बॉटम डिज़ाइन तैयार हो गया। ये देखें हमारा ये स्टिच होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से आई है। अगर आप चाहें तो आप डोरी के क्रॉस के ऊपर एक एक मोती भी लगा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप इसके ऊपर मोती ना भी लगाएं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने को वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और डिज़ाइन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आप मेरे बनाए हुए डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उसकी मुझे पिक्चर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you.